हेलो, चलिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ टाइगर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस कमेंट्री बुथ पर और इस मेज का जो हूबहू आपको देखा हाल सुनाने का अवसर प्रदान किया। तो सर्वप्रथम आज के इस डीपी ब्रदर्स क्लब कानूबासा डोमरडिहा के सरजमी पर आए जितने भी खेल प्रेमी खिलाड़ी साथी दर्शक दर्शिकाएं एवं माताएं बहने आप सबों को हम स्वागत करते हैं, साथ ही साथ आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ साथ मैं अपने हृदय की ओर से आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, साथ ही साथ सुखद जीवन समृद्धि का मैं उम्मीद करता हूं। और आज ये 16 टीमों के बीच जो है मैच खेली जा रही है, जिसमें ये थर्ड राउंड का पहला मुकाबला जो खेली जा रही है मैदान के बीचों बीच किंग गली और मुकाबले में है एजेसी गुनावासा। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा अपना प्लेट पार्ट पर जो टीम स्पर्धित है वो किंग गली की टीम है, और उनके मुकाबले में जो टीम खेल रही है हल्के सफेद और आसमानी कलर के पोशाक पर वो टीम है एजेसी गुनावासा। और इस मैच का जो है संचालन कर रहे भाई आनंद फूर्ति जी, काफी टूर्नामेंट में ये अच्छे रेफरशिप के तौर पर अपनी भूमिका को अदा किए हैं और प्रतिस्पर्धा पर वो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी अपने कमेटी परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि रेफरी मंडली के माध्यम से ही आज मैच का जो है संचालन रूप से किया जाता है। तो सभी रेफरी जो है बधाई के पात्र हैं। और चलते हैं एक नजर मैदान की ओर और इसके बाद वाली मैच के लिए बिल्कुल आप तैयारी हालत में रहेंगे। थर्ड राउंड का पहला मुकाबला दूसरा मुकाबला माफ कीजिएगा, आप हैं दुगू एफसी और मुकाबले में होंगे एमएमसी अर्जुन बिला। ध्यान देंगे इस चलती मैच के बाद वाली मैच जो खेली जाएगी थर्ड राउंड का दूसरा मुकाबला के तौर पर भाई आप हैं दुगू एफसी और मुकाबले में होंगे एमएमसी अर्जुन बिला। ये मैच मध्यांतर सहित जो है 10-10 मिनट का खेल खेला जा रहा है, यानी कि 10-10 20 मिनट का मैच। और मैं पुनः जिस अंदाज से यहाँ पर डीपी ब्रदर्स क्लब कानूबासा की मंच पर जो है कार और चलाई गई है और उसके अंदाज से शुरुआती क्षण से मनमाई श्री गोपीनाथ टाइगर जी मंच को संभाल चुके हैं और उनके ही मधुर वाणी के साथ सारे मैच का जो है विवरण आप सबों के माध्यम से आप सबों के समक्ष माइक्रोफोन के माध्यम से यहां पर सुचारू रूप से उनकी मधुर वाणी के साथ जो है सभी मैच का आप सबों का हाल सुनाया जा रहा है। तो बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र हैं और कहीं ना कहीं आप अगर इनको भली भांति नहीं जानते हैं मैं जानकारी देना चाहूंगा, ठीक हमारे कटी भी गांव जो है बीपीएमसी उली हाथू एक अच्छी आयोजक करता है और वहीं से वो ताल्लुकात रखते हैं और अच्छे आयोजक के साथ साथ अच्छी ज्ञान है उनको खेल के संदर्भ में। और छोटे मोटे टूर्नामेंट को छोड़कर जिला स्तरीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सभी खेल के जगत पर काफी ज्ञान जो है वो हासिल कर चुके हैं। कहीं की कहा जाए तो खेल की ये सब सोच है, सारी जानकारी जो है ये सुभाषचंद के आप सबको भी साझा कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस समय जो है हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा दोनों टीम को, क्योंकि यहाँ से जो भी टीम जीत दर्ज करेगी निश्चित तौर पर जो है एक परिणाम जो आगे जाएगी और कोई भी टीम इस समय जो है हारना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, क्योंकि अच्छी खेल के
संदर्भ में अब इस मुकाम तक अपनी टीम को लेकर आए हैं और दोनों टीम की निगाह जो है जीत के ऊपर रहेगी तो यहाँ पर कप्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर यहाँ से टीम जीत दर्ज करती है तो उनकी टीम जो है निश्चित तौर पर एक पैदा की जाएगी। गेंद की अपील हुई है आनंद कुर्सी जी के द्वारा जो मुख्य रेफरी की भूमिका अदा कर रहे हैं इनके साथ शंकर टिंकू जी उर्फ राधनी जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ जी हैं और सभी सजी हुई है तो खिलाड़ी भाइयों से भी अपेक्षा कि आप खेल की भावना जो है खेल की भावना से खेलेंगे। हालांकि स्थिति जो है समांतर है लेकिन यहाँ पर जीतो प्रयास करेंगे दोनों टीम क्योंकि एक गोल आपकी किस्मत की ताला को खोल सकती है और ये वो चाबी है जो गोल के माध्यम से खुल सकती है। और इसके बाद वाले मैच के लिए दोनों टीम कप्तान और टीम मैनेजर आप ध्यान रखेंगे। चलती मैच के समाप्ति के पूर्व जो है आप अपनी सभी टीम को लेकर रेफरी फिलहाल के समक्ष कतार में खड़े अभी भी गेंद जर्सी नंबर 10 25 के डाउन हुई यहाँ पर अच्छी कमर पर इशारा कर रहे हैं आपको यहाँ पर मैंने लेकिन विकल्प जरूर यहाँ पर सुरक्षित जर्सी नंबर 7 बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स पर हालांकि संतुलन यहाँ पर जरूर थे अच्छी गेंद अभी पुनः कहा जाएगा लेकिन आनंदपुर सिंह जी यहाँ से दौड़कर हटे गेंद उनके समक्ष आए थे लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर रेफरी चीफ का भूमिका कर रहे हैं आनंदपुर सिंह जी और दोनों टीम जिस अंदाज से खेल को दर्शा रहे बिना किसी फाउल का मैच को यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी इस समय गेंद को किक करने की और अच्छी गेंद को जो यहाँ पर विकास करता हुआ हमारे मेहमान टीम तो नहीं कहेंगे लेकिन बिल्कुल सटी हुई गांव है एजे सिंह गुनावासा और ये एजे सिंह गुनावासा भी एक अच्छी अर्जकर्ता के रूप में पश्चिम सिंहभूम पर इनका नाम भी जुड़ा जाता है। और एक बार इस समय 10 नंबर 11 उछाल रही है गेंद पर डिफेंडर ने गेंद को हालांकि कुछ देर के लिए निकाला है खतरे की एरिया पर जर्सी नंबर 10 गेंद तक पहुंच पाएगी जी नहीं गेंद की गति जो है खिलाड़ी से आगे आ चुकी है और यहां पर ब्रेक फुट करने का अवसर जो प्रदान होगी एजेसी गुनावासा। और मैं तमाम दर्शक दर्शिकाएं माता बहनों को मैं जानकारी देना चाहूंगा और मुर्गा प्रेमियों को भी दिनांक 6/1/2022 गुरुवार के दिन इस प्रतिस्पर्धा का अंतिम दिन होगा यानी कि समापन दिन होगी तो कल जो है बिल्कुल आना ना भूले। कल 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का जो है अंतिम दिन होगा और इसलिए आज जिस प्रकार से आप लोग प्रयोग कर रहे हैं ठीक है बन सकती थी लेकिन एक अच्छी डिफेंडर कहीं ना कहीं गोलकीपर बिल्कुल दर्शक की दिशा पर अपने छोर पर खड़े थे लेकिन जर्सी नंबर पोशाक जो पहले उतार थे वो पूरी तरह से टीम की कमान को अपने कंधों पर ले चुके हैं। हालांकि दोनों टीम एक गोल की यूई में रीडिंग पे इनका सोचा और एक बार अच्छी गेंद जर्सी नंबर होगा 11 के सामने और गेंद पहली आक्रमण गोलकीपर के सीधे हाथों पर यहां पर कहीं ना कहीं कहा जाएगा शायद दूर से गोलकीपर को भेजना चाहा लेकिन गोलकीपर भी बदल दिया। आप दोनों टीम कप्तान ध्यान देंगे ये मध्यांतर की दूसरी पारी का मैच भी जो है शुभारंभ हो चुकी है और समाप्ति के पूर्व आप हमारे
फोर्ट ऑफिशियल रेफरी पनाह के समक्ष अपने सभी टीम को कतारबंद करवाएंगे, क्योंकि समय रहते ही हम उम्मीद करते हैं हम इस मैच का संचालन सुचारू रूप से करेंगे। हम सहयोग की अपील करते हैं आप दोनों टीम के पास में थर्ड राउंड का दूसरा मुकाबला के लिए आप हैं आमने सामने जुगू एफसी और मुकाबले में होंगे एमसी अर्जुन विहार। दोनों टीम की स्कोर के पंक्तियों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों टीम जो है शून्य शून्य के मुकाबले पर। हालांकि आज देखा गया है कि अच्छी अच्छी टीम भी जो है इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुकी है और थोड़ी सी चुप आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है, मौका बन सकता है। आप मेजर गोल में तब्दील करेंगे निश्चित तौर पर जीत जो है आपकी चरण चुनेगी। लेकिन इस समय एजेसी गुना माता के पक्ष पर एक सुनहरा अवसर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक फॉल किक का मौका जो है बिल्कुल सुरक्षित है। और एक जैसे गुना माता की ओर से जैसे नहीं बिल्कुल और सभी गोल पोस्ट के बाहर निकाला जा रहा है। टीम ने भी वही काम किया जो जर्सी नंबर 4 ने किया। अरे बच्ची गेंद गुना माता के लिए हो सकती है, क्रोस आना चाहिए यहाँ पर, क्रोस आई जरूर थी। दोनों टीम का कहना है कि डाल डाल तुम्हें पास पास और दोनों टीम कोई कसर नहीं छोड़ रहे पहला बढ़त के लिए। इस समय खिलाड़ी होंगे मौजूद अपने ही पैरों के और अपने ही आधुनिकरण खेल को दर्शाए जरूर लेकिन एकल प्रयास पर खासकर फुटबॉल के जगत पर कभी आपको सफलता नहीं दिला सकती है। आपके पास 9 खिलाड़ी सुरक्षित हैं, आप विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं ताकि आपकी टीम जो है इस समस्या से उभर सके। पर कहते हैं दोस्तों सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। हालांकि और यहाँ पर हवा में लहर चुकी है, झंडा संकेत आ चुकी है इस समय और आकाश फूटी जी चुप नहीं रहेंगे और शायद यहाँ पर जी बिल्कुल यहाँ पर एक कार्ड जो है येलो कार्ड का सामना करना पड़ा तीन गली के खिलाड़ी को। हालांकि इनकी निगरानी जो है आनंद फूर्ति जी की बिल्कुल गेंद और खिलाड़ी पर, कोई सीएफ के मुंह से आप बच सकते हैं लेकिन इनकी निगाहों से बचना कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई साबित हो सकती है, क्योंकि ये वो रेफरी है कि हर मैच को सुचारू रूप से दो पक्ष होकर खिलाते हैं किसी भी एक टीम को हो। और यहाँ पर सही निर्णय और बहस करेंगे समय व्यर्थ होगी रेफरी डिसीजन लास्ट डिसीजन। हालांकि समय पुनः एक बार गुना बासा दोनों ही टीम की ओर अगर नजर आ रही स्कोर बोर्ड पर निश्चित तौर पर जो है अच्छी गेंद और यहाँ पे पुनः हेडर के माध्यम से गेंद को जो है निकाला गया। नेल्सन आराम के आज इस मैच पर अपनी वो हुनर को नहीं दिखा पाए हैं। कॉर्नर किक इस समय जो है संकेत आता हो तो इसके बाद वाली मैच के लिए आप निश्चित तौर पर अपने टीम को लेकर हमारे फोर्थ ऑफिशियल रेफरी के समक्ष कतारबंद हो जाएंगे। ये आपका स्वागत है। आप खेलेंगे हमारे बुजुर्गों को मिला हुए एसपी को मैं आकर से चाहता हूँ कि वो खेलों का खेलेंगे बुजुर्गों को ऐसे सभी लोगों को ये सामान मिला देने को आज चाहता हूँ कि तेरे खेलों का मर चाहता आज होती है मैं तब मर निकाल कर दो जो खेले तेरे हो इंतजार तो खेलने का मर नहीं बन भागे तो इतने हेलो तो चलिए एक बेहतरीन मौका
रहे हैं गोलकीपर के माध्यम से एक बेहतरीन बचाव कहां जाएगा, लेकिन एक कॉर्नर किक जो है समझ लिया सर के द्वारा एक बेकार सा किक और गुनावाता की ओर से ओमोस पड़ा है जर्सी नंबर 8 के पोशाक पर जुड़ चुके हैं और उनके टीम में हमेशा वो एक मैनेजर भी है, एक कप्तानशिप करते हैं और एक खिलाड़ी का भी भूमिका अदा करते हैं। कहीं ना कहीं तीनों चीज जो है इनका जा रखे बीच पे मुंडा मान की आतुरी दामाद बन रूतन को सभी ने वो जीवित टिकिन मुंडा मान की को अब वो एजर समिति को सभी ने छाता साफ होता है ना वहाँ क्रिकेट अब वो ने दोमोडिया छाता पूर्व बने गए इन छाता पिटिंग समय हुआ है क्या मतलब टीमिंग दिन रे बिजे के ने ते टीमिंग दिन रे आंगुली थिया इना ओल तोल के ने इना हिसाब से मारा अब वो आलम बढ़ाओ ना हाथों से डिवरी टिकट होम डे मान की टिकट एंटर साबिन अब वो हाथों से दिन जाकी भी ना हुआ अब वो कहे थे आप लाभ में ना साबिन अब वो नेंटा ऐसे बोलते ना और दोनों बढ़िया गया ठीक है तना दमा दमा रूप के बोलते ना वहाँ अनुयन ना लेल संगी अब वो आलम बढ़ाओ ना भाई हारी बारी में ना यहाँ पे